एंटरटेनमेंट कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। भारत के दो सबसे बड़े सुपरस्टारों महेश बाबू और शाहरुख खान के बीच हुए ट्विटर पर एक दिल को छू लेने वाले बातचीत की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। महेश बाबू तेलुगु सुपरस्टार हाल ही में जवान के फेवर में आ गए और उन्होंने अपने उत्साह को बांटने से नहीं रोक सके। उन्होंने अपने ट्विटर पर शाहरुख खान की आगामी फिल्म जवान के लिए अपनी प्रशंसा जताई। अपने ट्वीट में महेश बाबू ने लिखा, अब हैश जवान का समय है। @IAMSirk का उत्साह और पावर पूरी तरह दिख रहा है। सभी बाजारों में टीम को सफलता की ओर बढ़ते हुए देखने के लिए मेरे पूरे परिवार के साथ उत्सुक हैं। अब यहाँ आता है वो दिल को छू लेने वाला हिस्सा। शाहरुख खान बॉलीवुड का बादशाह ने महेश बाबू के इस प्रस्ताव का जवाब दिया, जिसमें गर्मी और दोस्ताना माहौल था। SRK ने जवाब दिया, धन्यवाद दोस्त, मेरा दोस्त। आशा है कि आप फिल्म का आनंद लें। जब आप देख रहे हैं तो मुझे बताइए, मैं आपके पास आकर फिल्म देखने आऊंगा। आप और आपके परिवार को प्यार, बड़ा होग। दोनों ट्वीट्स जल्दी ही वायरल हो गए और प्रशंसक इन दो सुपरस्टारों के बीच के इस दिल को छू लेने वाले आदान प्रदान के साथ अपनी खुशी नहीं छुपा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पहली बार नहीं है जब महेश बाबू और शाहरुख खान ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। 2015 में जब महेश बाबू अपनी फिल्म ब्रह्मोत्सव के लिए शूट कर रहे थे, तब SRK जो हैदराबाद में थे, उनके सेट पर एक मित्र के रूप में आए थे। अब जब हम धैर्य से जवान के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें शाहरुख खान हैं, तब महेश बाबू एक और बेहद उत्सुकता से तैयार हो रहे हैं अपने मुख्य प्रोजेक्ट गंतुरकारम के लिए, जिसके निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास हैं। इस तेलुगु फिल्म में श्रीलीला जागापाटी बाबू और मीनाक्षी चौधरी भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। इतना दो सुपरस्टारों के बीच में इस तरह की दोस्ती देखना बेहद दिलचस्प है। हम नहीं इंतजार कर सकते कि एक दिन हमें उन्हें स्क्रीन पर साथ देखने का मौका मिले। आज के एंटरटेनमेंट समाचार के लिए बस इतना ही, और रोचक अपडेट के लिए बने रहें। अगले बार तक हंसते हंसाते और प्यार फैलाते रहें।